हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई विल टीच यू मैथ इन क्लास प्रेप सब्जेक्ट मैथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर, बुक है मैथ वर्कबुक, पेज नंबर 61। अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज द नंबर, ये जो नंबर है इसको कौन से ऑर्डर में सजाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े में सजाना है। इससे पहले हम लोग सीखे हैं सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। हम लोग छोटा नंबर कौन सा है वो पहचाने हैं, बड़ा नंबर कौन सा है वो पहचाने हैं। आज हम लोग इस जो नंबर है इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, मतलब छोटे से बड़े में सजाएंगे। तो ये नंबर फर्स्ट 1, 6, 5, 65, 3, 5, 35, 1, 2, 12, 5, 5, 55, 6, 0, 60। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। 65, 35, 1, 2, 12, 5, 5, 55, 6, 0, 60। दिख रहा है यहाँ पे कि सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 1 to 12 सबसे छोटा है। तो 1 to 12 सबसे पहले लिखेंगे, 1 to 12 ये हो चुका है। अब 65, 35, 55 and 60 में से कौन सा छोटा नंबर है? 65, 35, 55 and 60। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है? 3, 5, 35। ये भी हो चुका। अब 6, 5, 65, 5, 5, 55 और 6, 0, 60 में से छोटा नंबर कौन सा है देखते हैं। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर है 5, 5, 55। तो अब लिखेंगे हम लोग 5, 5, 55। अब कौन सा नंबर बचा है? 6, 5, 65 and 6, 0, 60। 6, 5, 65 and 6, 0, 60 में से छोटा नंबर कौन सा होगा, 60 या 65? 60। तो राइट हैंड 60, ये भी हो चुका। अब कौन सा नंबर बचा है? 6, 5, 65। मतलब 6, 5, 65 जो है सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए 6, 5, 65 सबसे लास्ट में होगा। तो ये हम लोग इस नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए हैं। क्या क्या हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के बाद? 1 to 12, 3, 5, 35, 5, 5, 55, 6, 0, 60, 6, 5, 65। नेक्स्ट 3, 2, 32, 7, 0, 70, 6, 5, 65, 8, 8, 88 and 1, 1, 11। अब इस लाइन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है दिख रहा है हम लोग को? 1, 1, 11 जो है सबसे छोटा नंबर है। तो 1, 1, 11 को हम लोग सबसे पहले लिखे, 1, 1, 11 हो चुका ये नंबर। अब कौन सा छोटा नंबर है? 3, 2, 32। तो हम लोग 3, 2, 32 लिखते हैं, ये भी हो चुका। 7, 0, 70, 6, 5, 65 and 8, 8, 80 में से अब कौन सा नंबर छोटा है देखते हैं। तो 6, 5, 65 छोटा है, तो 6, 5, 65 लिखे हैं, ये भी हो चुका। अब क्या बचा, कौन सा नंबर बचा? 7, 0, 70 and 8, 8, 88। तो 7, 0, 70 और 8, 8, 80 में से कौन सा नंबर छोटा है, 70 या 88? कौन सा होगा? 7, 0, 70। सो राइट हियर 7, 0, 70, ये भी हो चुका। कौन सा नंबर बचा? 8, 8, 88, यानी कि 8, 8, 88 सबसे बिगेस्ट नंबर है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में लिखना है। इसको भी हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए हैं। क्या हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के बाद? 11, 32, 65, 70, 88। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 8, 3, 83, 7, 8, 78, 1, 0, 10, 1, 3, 13 and 6, 6, 66। इसे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो यहाँ पे भी सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है दिख रहा है हम लोग को? स्मॉल नंबर, सबसे स्मॉल नंबर यहाँ पे 1, 0, 10। राइट हियर 1, 0, 10। अब 83, 78, 13 and 66 बचा है। अब इसमें से कौन सा नंबर छोटा है? तो 1, 3, 13 छोटा है। तो राइट हियर 1, 3, 13, ये भी हो चुका। अब कौन सा नंबर बचा है हम लोगों के पास? 8, 3, 83, 7, 8, 78 and 6, 6, 66।
अब इन तीनों नंबर में से कौन सा नंबर छोटा है वो देखना है। तो 83, 78 और 66 में कौन सा नंबर छोटा होगा? 66. सो राइट हियर 66. ये भी हो चुका। अब कौन सा दो नंबर बचा आप लोगों के पास? 83 एंड 78. तो 83 एंड 78 में से कौन सा नंबर छोटा है? 78. सो राइट हियर 78. ये भी हो चुका। और सबसे बड़ा नंबर है 83. इस लाइन में सबसे बड़ा नंबर है 83, इसलिए ये नंबर सबसे लास्ट में लिखना है। इसे भी हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिए हैं। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया जाता है नंबर को। देखते हैं क्या सजाए। 10, 13, 66, 78, 83. सो ओके चिल्ड्रेन, इस तरह से आप लोग भी इस नंबर को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइएगा, इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में सजाओ। ये जो नंबर है उसको छोटे से बड़े में सजाकर लिखना है। तो राइट इन योर कॉपी प्रॉपरली। आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। बाय।